हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लास 12th आरबीएससी मैथमेटिक्स। और देखिएगा, आज हम क्लास 12th आरबीएससी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और जो अभी थोड़े दिन पहले जो नया पैटर्न आया है, नया पैटर्न मतलब जो पिछले साल जो सिलेबस डिटेक्ट हो गया था वो वापस से पूरा सिलेबस अलाउड कर दिया। अब तो पूरा जो भी सिलेबस आएगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। देखना, पहले मैं आरबीएससी का पेपर पैटर्न बताता हूँ आपको। देखना, क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स ओके। देखिएगा, पेपर का पैटर्न बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो टोटल क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो आते हैं सर 30, और जो टोटल मार्क्स होते हैं, वो होते हैं सर 80 ओके। और जो टोटल टाइम मिलता है, वो मिलता है सर 3 आवर एंड 15 मिनट का। पेपर का पैटर्न कैसे आता है, सर? देखो, पेपर का पैटर्न है ना, पेपर का पैटर्न कैसे आता है मैं बताता हूँ। देखो आपको, पेपर चार सेक्शन में डिवाइड होकर आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी ओके। देखिएगा, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के मिलते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का मिलता है, तो टोटल ये यहाँ से कितने मार्क हो गए, टोटल 10 मार्क्स हो गए यहाँ से ओके। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो आता है वो आता है सर 2 मार्क्स का ए ईच क्वेश्चन, तो टोटल जो मार्क्स हुए वो हो गए सर 20 मार्क्स ओके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जो आते हैं वो ईच क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, और यहाँ से जो ये मिल गया सर कितने मार्क्स हो गए अपने, यहाँ से हो गए 30 मार्क्स ओके। देखो, 10 क्वेश्चन हो गए ना 16 से 25 तक, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो टोटल 30 मार्क्स के हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 जो आता है वो ईच क्वेश्चन सर 6 मार्क्स का आता है, और ये टोटल जो हुआ ये हो गए सर 30 मार्क्स ओके। और यहाँ पे देखना, ये 30 30 60, और 30 कितने हो गए 60 20, ये मैंने कहीं गड़बड़ कर दी, ये 10 मार्क्स है यहाँ पे ओके। टोटल 60 मार्क्स हो गए ठीक है ओके। देखना, अब देखना ये जो सेक्शन है इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ अवर एग्जामिनेशन। इसमें देखना 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन एक ईच क्वेश्चन 6 6 मार्क्स का मिलेगा। वो देखना, ये चैप्टर फिक्स है, जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर फिक्स है। देखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप ये कॉपी करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप ओके। देखिएगा, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो कि सिलेबस कैसा है, एनसीईआरटी की बुक चलती है, आरबीएससी में एनसीईआरटी की बुक चलती है। देखना, अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की ओके। सिलेबस में देखना, टोटल जो अपने पास चैप्टर आते हैं, टोटल चैप्टर है अपनी एनसीईआरटी की बुक में 13, और टोटल जो यूनिट्स डिवाइड कर रखी है सिलेबस में, टोटल यूनिट है सर 6। अब देखिएगा, मैं यूनिटों के नाम लिख रहा हूँ। देखना, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। हिंदी में भी लिख रहा हूँ संबंध एवं फलन, ठीक है। इसमें देखना, ये टोटल जो यूनिट है ये सर 7 मार्क्स की यूनिट है, 7 मार्क्स की यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में। एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम रिलेशन एंड फंक्शन ही है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन ही है चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ओके। ये देखना, ये यूनिट है टोटल 7 मार्क्स की। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ये है सर 3 मार्क्स का, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक 3 3 मार्क्स दे रहे, तो वहां पे मिलेगा इसका आपका एक क्वेश्चन, और ये आएगा सर 4 मार्क्स का। ये चैप्टर होता है 4 मार्क्स का, ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड आती है सर अपनी, यूनिट नंबर सेकंड का नाम है एलजेब्रा,
एलजेब्रा, बोले तो बीजगणित, बीजगणित ये सर 10 मार्क्स की यूनिट है, ये 10 मार्क्स। इसमें भी सर दो ही चैप्टर आते हैं, एक तो चैप्टर नंबर आता है थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है, अवयव, अवयव, ठीक है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का। इसके बाद चैप्टर नंबर फोर आता है, चैप्टर नंबर फोर जो है वो सर है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, इसका नाम है सर सारणिक, ये भी सर है 5 मार्क्स का, ये भी है 5 मार्क्स का। इसके बाद यूनिट नंबर थ्री आती है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, या अपने सिलेबस की सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो यूनिट नंबर थ्री है, जिसका नाम है सर कैलकुलस, कलन। इससे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर 36 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 36 मार्क्स के। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसमें आता है सर चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, यानी सांतत्यता एवं अवकलनीयता, सांतत्यता एवं अवकलनीयता, एवं अवकलनीयता, ये सर चैप्टर है, ये है सर 8 मार्क्स का, ये चैप्टर है सर 8 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है सर, एओडी लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हिंदी में लिखता हूँ सर अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, ये सर यूनिट है, ये सॉरी ये चैप्टर है सर 6 मार्क्स का। इसके बाद सर चैप्टर नंबर 7 आता है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन सर, इंटीग्रेशन समाकलन, ये जो चैप्टर है ये यहाँ से सर 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने। ओके, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आता है, चैप्टर नंबर 8, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए ओ आई, समाकलन के अनुप्रयोग, या फिर इसको ए यू सी भी बोल देते हैं, एरिया अंडर दी कर्व, इसको लिखता हूं समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। ओके, ये सर ये जो चैप्टर है ये है सर 4 मार्क्स का। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिख देता हूँ, ठीक है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ये जो चैप्टर है सर ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, ये सॉरी 6 मार्क्स का चैप्टर है, ये लो ये 6 मार्क्स का। ऐसे ही अपनी 3 यूनिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ से 3 यूनिट में देखना, फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम यूनिट के नाम पे ही है, संबंध एवं फलन। इसमें दूसरा चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यूनिट नंबर 2 जो है वो है एलजेब्रा। इसमें अपने दो चैप्टर आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, अवयव और सारणिक। यूनिट नंबर 3 जो है वो है सर कैलकुलस। इसमें अपने 4 चैप्टर, 5 चैप्टर आते हैं सर, पांचवा छठा सातवां आठवां और नवा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर दी कर्व, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने यहाँ पे यूनिट हो गई, कौन सी, ये यूनिट हो गई थर्ड। तो 3 यूनिट देखना, 7 मार्क्स की, ये 4 मार्क्स की, 11, और ये 36 मार्क्स की, यानी 47 मार्क्स हो गए सर। ओके, 47 सॉरी 7 और 10, ये 17 मार्क्स तो ये हो गए, 17 और सर 36 ही हो गए, यानी 53 मार्क्स हो गए सर 3 यूनिट के। अब देखना आगे, आगे देखो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 देखना, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हिंदी में लिख देता हूँ सदिश एवं त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ओके, ये सर है 16 मार्क्स की यूनिट, ये है सर 16 मार्क्स की यूनिट। इसमें दो चैप्टर आते हैं, इसमें भी एक तो चैप्टर नंबर 10 आता है सर, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर सदिश, ये है सर 7 मार्क्स का। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है 3D, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सर 9 मार्क्स का। तो टोटल जो यूनिट हो गई 16 मार्क्स की यूनिट हो गई, दो ही चैप्टर इसमें यूनिट नंबर 4 में।
इसके बाद सेकंड लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LPP, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। ये सर है, ये है 4 मार्क्स की यूनिट और इसमें सर एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है सर, लीनियर है ना प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, चैप्टर का भी यही नाम है, ठीक है। ये अकेला चैप्टर है और ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद अपनी लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है सर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता। और ये सर है 7 मार्क्स की यूनिट, ये है 7 मार्क्स की यूनिट है, ओके। इसमें चैप्टर नंबर 13 है अपना अकेला, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये 7 मार्क्स की यूनिट है। इस प्रकार से जो अपना सिलेबस है वो मैंने पूरा आपको डिस्कस करके बताया, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को पूरे ईयरली क्या करनी होती है, तैयारी करनी होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। उसके बाद उस यूनिट का सेकेंड चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, ओके।